अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और सिर्फ एथेरियम की। बिटकॉइन एथेरियम मार्केट फंडामेंटली एक तरफ से जो न्यूज़ आई हैं वो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से कितना डंप करेगी। सेल बीटीसी एथेरियम सेल तो ये मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त डाटा आया है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करने जा रही है। बहुत ज़्यादा से मुराद कि बिटकॉइन $25,000 से भी नीचे आपको दिखाई दे सकता है। 25,200 कन्फर्म है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा था कि बिटकॉइन डाउन है, एथेरियम डाउन है, एथेरियम की सेल मैंने लगवाई हुई थी तो बिटकॉइन भी डाउन है, तो मज़ीद आगे ये डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। आज डाटा भी स्ट्रॉन्ग आ गया, फंडामेंटली जो न्यूज़ आनी थी US डॉलर की वो स्ट्रॉन्ग आ गई, जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद डाउन जाएगी। BTC डाउन जाएगा तो आर्ट्स कॉइन भी जो है ना वो डाउन जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोग आर्ट्स कॉइन में एंट्री डालकर बैठे हुए हैं तो फ़िलहाल निकाल दें। नीचे आएंगे जब ये आर्ट्स कॉइन, तब आप इनको डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करेंगे। तो आइए चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले ऐसे अफराद जो चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों BTC 25,651 डॉलर पर इस टाइम मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एथेरियम 1,624 डॉलर पर मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि डॉलर की न्यूज़ आनी थी आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अब इसमें जो है ना वो डॉलर हो गया है स्ट्रॉन्ग, न्यूज़ आने की वजह से डॉलर हो गया है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डॉलर की न्यूज़ आई है। ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 216 के, तो इसलिए जो है ना वो हम आपको बताते हैं कि 216 के से मीन्स जो है ना वो इससे मुराद ये है कि डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, ग्रीन में ये आया है, तो ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना आपको दूसरा भी डॉलर की बता देते हैं। ये देखें ये है, ये आपको मैं तीन तरह की चीज़ें समझाता हूँ न्यूज़ कैसे होती हैं। ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये फोल्डर, ये तो होता है लो इम्पैक्ट और ये होता है हाई इम्पैक्ट रेड का, और ये जो ये कलर है ये होता है मीडियम इम्पैक्ट। अगर तो डाटा ये रेड वाला है तो समझ लें ये बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट का डाटा है, मार्केट पर बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये मीडियम का है तो थोड़ा बहुत दरमियाना सा पड़ता है इफेक्ट मार्केट के ऊपर, डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। तो अगर तो बिल्कुल लो होता है, जैसे ये US डॉलर ये लो इम्पैक्ट के हैं, येलो है, तो फिर इतना खासा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन जाने लगी है, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना उसका डाटा जो है ना वो 216 के आया है, ग्रीन में आया है। यहाँ रेड में आए तो समझ लें कि मार्केट थोड़ा सा डाउन अप जाती है। अगर ये रेड ग्रीन में आए तो समझ लें मार्केट थोड़ा सा डाउन आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने करना है क्या है एथेरियम और इसके साथ। आप लोगों ने ये करना है कि बिटकॉइन जितना आप नज़र आए 26,000 के करीब नज़र आए या वहाँ से आपने इसको फ़िलहाल वक्ती तौर पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन 50 से 100 डॉलर की रेंज में ये डाउन जाएगा। उससे ज़्यादा मुश्किल है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अगर आप एक दो दिन वेट करते हैं उससे तो 25,200-300 डॉलर तक चला जाए। एथेरियम भी ऐसे है, 1600 डॉलर से नीचे एक दफ़ा ज़रूर आएगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि डाटा स्ट्रॉन्ग आया है। डाटा स्ट्रॉन्ग के जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो कम से कम एक घंटे दो घंटे के लिए इम्पैक्ट पड़ता है। USA भी अभी ऑन होने वाला है 6:30-7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो डाटा स्ट्रॉन्ग आने की वजह से USA ओपन होगा जैसे ही, तो इस पर लाजमी इफेक्ट पड़ेगा और थोड़ा सा डाउन आएंगे BTC और एथेरियम आज की प्राइस। नोट करके रख लें, मैंने कहा लेटेस्ट अपडेट थी, आप लोगों को बतानी थी ताकि आप लोगों की अगर वो ट्रेड्स लगी हैं तो उसको आप ना वो देख सके। BTC बाय किए हो तो फिर भी देख सकते, प्रॉफिट में है तो निकाल दें। एथेरियम को भी अगर बाय में है तो वेट करें, नीचे करके इसको बाय करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। अगर आप लोग हमारे सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर हमसे रब्ता करें।
और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।